जेड ए खान की स्मृति में पहली संभाग स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार 25 दिसंबर को हुआ। दो दिवसीय प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग की 8 टीमों ने भाग लिया। आपको बता दें कि स्वर्गीय खान ने लंबे वक्त तक निस्वार्थ भाव से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। 25 दिसंबर 2017 में खान ने 82 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद उनकी स्मृति में पहली दफा संभाग स्तरीय हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षाविद बी.आर. उपाध्याय को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। मीडिया को जिला हॉकी संघ के सचिव और इम्तियाज खान ने बताया, आज से जेड ए खान स्मृति में दो दिवसीय संभागीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सेदारी की है। पहले दिन 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहला मुकाबला नीमच और आगर के दरमियान हुआ। इस मैच में नीमच ने आगर को 4-1 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में शाजापुर ने बड़वानी को 6-3 से हराया। तीसरे मैच में देवास ने रतलाम को 2-1 से मात दी। वहीं आखिरी मैच में मंदसौर ने उज्जैन को 4 गोल से हराया। प्रतियोगिता का समापन 26 दिसंबर को पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है, 7 टीमें बाहर की और 1 टीम नीमच की है। और ये खान साहब जो थे, उनकी स्मृति में जो आयोजन हो रहा है, वो पूरा परिवार आज भी समर्पित है उनका, तन मन धन से। और सबसे पहले जो नीमच में खान साहब ने ही हॉकी का मतलब प्रणेता रहे मान के चले, वो खुद तो खिलाड़ी थे ही। और जब उनको खेलना उन्होंने बंद किया, तो उन्होंने नीमच के लिए उन्होंने लगातार पूरा प्रयास करते थे कि नए नए खिलाड़ी यहाँ से उभर के आए। और ये उनका आज तक तो उसी जो स्थिति के उनके बच्चे जो हैं इम्तियाज भाई, वो भी यही कोशिश करते हैं, पूरा परिवार इनका लगा रहता है तन मन धन से। और उन्हीं की स्मृति में हो रहा है और ये आयोजन हर वर्ष रहेगा इसी प्रकार से। ये जेड ए खान स्मृति में हॉकी ट्रॉफी में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं, 7 तो हमारे इस उज्जैन संभाग की, लेकिन एक विशेष 7 का कोरम पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए एक विशेष आमंत्रित टीम 8 टीमें बना के वो पूरा फिक्चर का सेटअप बनाया गया, इसलिए उसको हमने आमंत्रित करा पड़ रहा है। उज्जैन संभाग से कहाँ कहाँ की टीमें आई हैं? उज्जैन संभाग में जो पहले जो हॉकी चलती थी वो सिर्फ मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन यहीं चलती थी और देवास, लेकिन मध्य भारत के रहते हुए हमने भी दो जिले आगर और शाजापुर, ये नीमच की कोशिशों से ही खड़े हुए हैं जब मैं महासचिव पद पे था। और आज भी मेरी कोशिश यही रहती है प्रतियोगिता कराने की कि सबसे पहले नीमच और उसके बाद संभाग की हॉकी को बढ़ावा मिले, जिससे यहाँ के खिलाड़ी जो 2 साल से कोरोना काल की वजह से नहीं खेल पाए, तो नीमच की कोशिश रहेगी जो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये प्रतियोगिता करी। और मध्य भारत की भी हमने सबसे पहली प्रतियोगिता जब मिली थी हमको 2016 में, तो ये नीमच ही उसको शुरुआत करने वाला है। हम मेजर ध्यानचंद के 13 हॉकी टूर्नामेंट करा चुके हैं, 5 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मध्य भारत की करा चुके हैं, और ये पहली जेड ए खान ट्रॉफी है जो आप देख रहे हैं। कितने दिवसीय ये 2 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता है, आज इसमें 4 मैच खेले जाएंगे। जेड ए खान साहब का ताल्लुक हॉकी से काफ़ी लंबा रहा है, क्या ऐसी यादें हैं जो आप इस वक्त उनकी स्मृति में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जो आप पीछे ब्लैक एंड वाइट बैनर देख रहे हैं उस साइड में, वो 1954-55 से हैगा, फिर 55-56 का फ़ोटो उसमें लगा हुआ, और 58-59 का, सन 74 में जो अभी भारद्वाज जी बैठे हैं इनके भाई का भी, जो मुख्य अतिथि इनके भाई का भी फ़ोटो, अजीत जी जायसवाल का फ़ोटो, लोकेन जी जो यहाँ बैठे हैं उनका फ़ोटो है, तो उस फ़ोटो को ज़रूर आप लें, वो मैंने बड़े मुश्किल से ढूंढ के उसको बनवाया है। उनकी यादें तो उन्हीं की वजह से आज जो भी हम कर सकते हैं, तो आज उन्हीं की प्रेरणा से ये हॉकी चली। वो 47 साल तक गोदावत स्पोर्ट्स के क्लब के सचिव रहे, 16 साल तक मध्य भारत जिला हॉकी संघ के सचिव रहे, फुटबॉल के 23 साल तक नीमच ब्रदर्स के सचिव रहे, और 4 साल तक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर रहे, 4 साल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर है, और आखिरी में वो रेलवे पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने हर क्षेत्र में खेल के साथ शिक्षा के लिए भी काम कर। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।